टूडेज टॉपिक इज डिस्ट्रैक्शंस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेस और आर फेसिंग डिस्ट्रैक्शन वाइल स्टडी ज्यादातर स्टूडेंट्स दिन में दस घंटे पढ़ने की सोचते हैं तो उसमें से फॉर थ्री फोर आवर्स दे आर डिस्ट्रैक्टेड एट लीस्ट देयर आर मल्टीपल रीजनस बिहाइंड दिस डिस्ट्रैक्शन रीजन्स इज ऑफकोर्स द इंटरनेट बिकॉज इंटरनेट फोर्स यू टू स्पेंड टाइम ऑन इट इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू ये तो हो गया एक्सटर्नल रीजन A majority reason behind or a bigger reason behind distractions is fear, which you allow it to take over your body, take over your mind. So, what happens when you're fearful is you keep thinking about things that are not in your hand in order to make your life more stable, more focused, not focused, more stable and more predictable in the future. हम लोग मेजोरिटी ऑफ अस हम लोग तैयारी क्यों करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की कि हमको एक स्टेबल लाइफ मिले सो देर इज अ टिंज ऑफ फियर देअर हम लोग मेजोरिटी ऑफ अस इनफैक्ट फैक्ट लॉड ऑफ स्टूडेंट्स अमंगस्ट अस राइट नाउ आर प्रिपेयरिंग फॉर से बी बट थिंकिंग अबाउट आर बी आई ठीक है सेबी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि से बी का एग्जाम आने वाला है बट सोच रहे हैं दिमाग कहाँ है कि भाई आर बी आई का एग्जाम आएगा तो उसकी तैयारी कैसे करूंगा सो वॉट इज हैपनिंग हेयर You are fearful to the extent that you are not able to focus on an exam which is right in front of you. Instead, you are thinking about an exam that you don't know when will it happen. Okay? okay. तो आप ना तो सेबी की तैयारी पूरी कर रहे हो ना आरबी की तैयारी कर रहे हो आप बस सोच रहे हो. And all this is rising from fear, which is resulting in this distraction. तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आ, अपने दिमाग से ये फियर या डर निकालना बहुत जरूरी है निकाल देना है आपको ओनली यू कैन डू दिस नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू एंड आई थिंक देर इज नथिंग टू वरी अबाउट देर इज़ नथिंग टू बी सो फियरफुल अबाउट 24, 25 साल 30 साल के लोग हो क्या डरने की क्या ज़रूरत है यू शुड बी यू नो एंथुजियास्टिक एंड मोटिवेस्टेड मोटिवेटेड एंड जोश होना चाहिए अंदर की आई हैव टू गो आउट देर एंड डू समथिंग इफ नॉट दिस देन दैट देर इज सो मेनी थिंग्स टू डू इन योर लाइफ आर बी आई और सेबी इज नॉट दी ओनली थिंग और आर बी आई एन से बी इट डज नॉट डिटमाइन हाउ गुड यू और बैड यू आर एज अ पर्सन तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं यू नॉट इन दिस वर्ड टू प्रूव एनी थिंग टू एनी वन यू आर इन दिस वर्ड टू डू समथिंग थिंग्स डेट यू लाइक ओके एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंट एन्जॉय योर लाइफ इसका मतलब ये नहीं कि आप चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करो आप तैयारी ना करो तैयारी करो जब तक मन करे बट डोंट लेट इट इनकलकेट दैट फीलिंग ऑफ फियर इन यू कि आप डर डर के तैयारी कर रहे हो डर डर के पढ़ रहे हो बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइन टू गैट यू एनी वेयर इन दी इन लाइफ इधर इन इंटरव्यू और इन एग्जामिनेशन इन जनरल इन लाइफ ओके तो करना है जो जोश से बिना डर के बिंदास तैयारी करो बट डोंट बी फियरफुल अबाउट इट कि नहीं हुआ तो क्या करूँगा भाई देर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ दैट यू कैन डू इफ यू वॉन्ट टू डू ओके कभी आपने किसी सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा कितना भी गरीब हो क्यों बिकॉज उनके यहाँ कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम बड़ा नहीं होता देर इज नो स्मॉल वर्क देर इज नो बिग वर्क इफ अ प पर्सन इज एजुकेटेड अ सिख डज नॉट हैव अ जॉब ही डू द मोस्ट मीनि जॉब बट ही अर्न इज मनी इज नॉट अ फ्रेड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच सो हैव दैट काइंड ऑफ यू नो मोटिवेशन अंडर योर्स हैव दैट काइंड ऑफ जज्बा होना चाहिए अंदर एक कि आई कैन डू एनी थिंग इफ नॉट दिस देन दैट दैट विल पॉजिटिवली अफेक्ट प्रिपरेशन ऑल्सो ठीक है तो डिस्ट्रैक्शनस का जो कोर रीज़न है वो है डर वो है फियर जिस दिन आपके दिमाग से दिल से फियर निकल जाएगा दैट डे यू विल बी एबल टू फोकस कंप्लीटली ऑन योर एग्जामिनेशन और उस दिन एग्जाम भी आपका निकल जाएगा ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट गाइज दैट्स इनफ फॉर टुडे जय हिंद बाय बाय